सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला महासचिव रोहित शर्मा ने की। वहीं कांग्रेस नेता अमन सेठी विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है और झूठ का सहारा लेकर देश की भोली भाली जनता को ठगा है, लेकिन अब भारत की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि वे सच्चाई और जुमले के बीच का अंतर जान चुकी है। कांग्रेस पूर्व पार्षद अमन सेठी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, ये भाजपा की तरह जुमला पत्र जारी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में जो वायदे किए थे वे कुछ ही दिनों में पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में जो वायदे किए थे वे कुछ ही दिनों में ही पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो 5 वर्ष पहले जुमले जनता को वायदे के रूप में किए थे वे पूरे नहीं हो सके, इसलिए भारत की जनता झूठ और सच का अंतर जान चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की 4 सीटों पर कांग्रेस विजय रहेगी और हर हालत में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेगी। घोषणा पत्र जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जारी किया है, उस घोषणा पत्र की मुख्य बातें यह है कि उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का, किसानों का, हमारे व्यापारी भाइयों का, हमारे अपना बेरोजगार, हमारे जो युवा वर्ग है जो रोजगार के लिए, उसका ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी चीज इसमें है कि न्याय, जो न्यूनतम आय योजना शुरू करने की बात करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की ओर से, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और थोड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो जो भाजपा के लोग कहते हैं ना कि जुमला है, झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक क्या तुमने 5 साल में 15 लाख रुपए दिए? सबसे बड़ा जुमला तो वो था तुम्हारा। कांग्रेस ने तो कभी ब्लफ ना किया है, ना कभी झूठ बोलती है। कांग्रेस का नारा ही हमेशा रहा है कि काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे हम कभी नहीं करेंगे। अभी जो पीछे 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, राहुल गांधी जी ने 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया है। दूसरा, न्याय योजना जो 72,000 रुपए प्रति माह जो गरीबी रेखा है उसके नीचे जो हर महिला के अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, तो ये हमारा घोषणा पत्र है। भाजपा के लोग इसे ये देखेंगे, ये जुमला पत्र नहीं है। वो पहले अपने गिरेबान में जाके 5 साल उन्होंने देश को क्या दिया, अपनी कमियां छुपाने के लिए वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को या कांग्रेस के जो हमारे नेता पे है वो ऐसे वार मत करे, अपनी कमियां मत छुपाए। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है 3 घोषित हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, अभी कल ही पवन काजल जी को भी टिकट मिला है वहां से, कांग्रेस से, और 1-2 दिन में हमारे जो हमीरपुर से लोकसभा से प्रत्याशी है वो भी घोषित हो जाएंगे। और हम पूरी उम्मीद से इस बारी चारों की चारों सीटें सोलन से भी हमारे जो कर्नल धरीराम शांडिल जी है उनको भी भारी मतों से जिताकर उनको हम लोकसभा में भेजेंगे, और राहुल गांधी जी को इस बारी 2019 में हम प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे।